हेलो दोस्तों, आप लोग का सोनी बुटीक से मैं स्वागत करती हूँ। जय माता दी, राधे राधे। मैं ब्लाउज का कटिंग बता रही हूँ, बाटी का। मैं पहले पिछला बैक पार्ट का मैं कटिंग कर रही हूँ। इसका मैं वीडियो पिछले वीडियो में मेरा जा चुका है वीडियो सोनी बुटीक्स में। मैं इसका कटिंग दिखा रही हूँ, कट करके इसका माप मैं बता रही हूँ। मैंने इसका 10.5 इंच लिया है, इसका चेस्ट का माप। छह लिया है मैं इसका आर्मू। मैंने इसका माप मैंने पहले उस पिछले वीडियो में दे दिया है, फिर से मैं इसका माप बता रही हूँ। 6 इंच इसका आर्मू है और 2.5 इंच इसका शोल्डर है। 9.5 इंच इसका सीना का माप है और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए छोड़ा है। 1 इंच में इसको गहराई देने के लिए आर्मो को किया है। 12.5 इंच में गले का गहराई देने के लिए मैंने किया है कटिंग। मैंने गले का निशान लगा लिया है, इसको लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसका कटिंग करूँगी बैक पार्ट को। कटिंग करके निकाल ले रही हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब मैं बाटी का कटिंग बता रही हूँ करके। मैं पहले बेल्ट के लिए निकाल ले रही हूँ। मेरा बेल्ट के लिए 9.5 इंच है और मार्जिन के लिए मैंने 2 इंच छोड़ा है। अच्छे से कपड़े को बराबर रखते हुए इसको मैंने कपड़े को ठीक करके अब मैं इसको निशान लगा रही हूँ। मैं बाटी का मैं इसको शेप दे रही हूँ। मेरा 4 इंच का मैं 8 इंच इसका लंबाई है। डबल बाटी का निशान है, ध्यान से देखिए आप लोगों। मेरा कटिंग तो हो गया है। अब मैं इसका जो है यस का मैं कटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो इसका सीधे सीधे जोड़िए, 6 इंच इसका आर्मो का ले लीजिए और 6 इंच जो है इसका सीने का माप ले लीजिए। तो 12.5 इंच मैंने इसको लिया है, 2 इंच मैंने कपड़े को मार्जिन के लिए छोड़ा है। पूरा टोटल मैंने 12.5 इंच इसका लिया है, ऊपर नीचे सब मिला करके। ये वेस्ट का कटिंग हो गया है। अब मैं इसको दिखा रही हूँ, बाटी का जो कटिंग किया है मैंने उसको दिखा रही हूँ। मेरा 7.5 इंच करके दोनों डबल पार्ट का है बाटी, तो 7.75 इंच मेरा ऊपर नीचे का है टोटल। अब मैं बेल्ट को दिखा रही हूँ, इसका मेरा ये कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये जो
बाजू का कटिंग दिखा रही हूँ करके, इसको मैंने 11 इंच लिया है इसका लंबाई। मैं 6 इंच इसका लिया हूँ आर्मों के लिए और 2 इंच मैं बेसी ली हूँ और 3 इंच इसका गहराई दी हूँ आर्मों का शेप देने के लिए। मैंने इसको निशान लगा लिया है, आप लोग को ध्यान से देखिए इसको और अच्छे से काटिए। कंप्लीट हो गया है मेरा ये कटिंग पूरा टोटल। अब मैं इसको बाद में, इसको बाजू को बाद में इसको मैं शेप दूंगी, अभी भी इसको मैं शेप नहीं दूंगी। इसका मैं ये डिजाइन का मैं कटिंग दिखा रही हूँ। मैं 1 इंच पर इसको 2 इंच छोड़ करके मैं इसका कटिंग कर रही हूँ डिजाइन के लिए बाजू का। मेरा ये कंप्लीट हो गया है कटिंग दोस्तों। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।